बहू हे ललना धीरे धीरे बजा, बहू हे लछुआ धीरे धीरे चुमाए चललना, भामा सोहागिन चुमाए चललना। बिहार के सीतामढ़ी में खुशी वाली खबर सामने आई है। यहां 3 फीट के योगेंद्र कुमार की शादी नहीं हो पा रही थी और बढ़ती उम्र को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान भी थे, लेकिन अब उन्हें उनके जैसे ही दुल्हन मिल गई है और दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई। दुल्हन सीतामढ़ी के लोहिया नगर के मेला रोड की रहने वाली है और उनका नाम है पूजा, जिनकी उम्र 20 साल है, जबकि योगेंद्र की उम्र 32 साल है। करके बहुत खुशी हुई, जितना मीडिया कर्मी है और जनता लोग है और आम जनता लोग है, भाई बहन है, सभी लोग को हम अपने तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सोचे थे शादी ब्याह होगा, क्योंकि उम्र का अथी आपका जो कद था उसको लेके काफी नहीं सोचे थे, कभी भी विश्वास भी नहीं था कि हमको शादी। भगवान जोड़ी बना के भेजे थे जी। कहाँ शादी किए हैं, कैसे किए हैं? लोहिया नगर मेला रोड भवदेवपुर सीतामढ़ी किए। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है पूजा कुमारी। अच्छा, तो कैसे हुआ संपर्क, कैसे हुआ, कौन आया था? जैसे एक कोसाईपुर का था, ब्रेंदर करके आदमी था, जो जैसे कोर्ट में कचहरी में ऐसा ही डुमरा ब्लॉक में काम करते थे, तो ऐसा ही मतलब चार चक्कर चलाते हैं, तो ऐसा ही मुलाकात हुआ। तो वही आदमी फोटो मोबाइल से खींच करके और पूजा को जो पापा जो बनने वाला था उसका फोटो दिखाया, तो वही दिखाने के बाद वो 2-3 महीना के बाद मेरे गांव का पछियारी पुरोहित का रजनीश सिंह का नाम है, वो भी ड्राइवरी करते हैं चार चक्का, और मेरे ससुर जी भी है जो वो भी चार चक्का का ड्राइवरी करते हैं, तो वही दोस्ती यारी से संपर्क बना और उसी मुद्दा से लेकर के शादी ब्याह का चर्चा की ओर आगे बढ़ने लगा। शादी से खुश हैं? कितना उम्र है? 20 वर्ष। तो क्या मतलब आपको दिक्कत होता था ये हाइट जो नहीं है, तो उसके चलते परेशानी कभी हुई? सोची थी शादी ब्याह होगा? जी नहीं। तो शादी ब्याह हुआ है तब कितना खुश है? बहुत खुश है। आपको बता दें कि पिछले पंचायत चुनाव में योगेंद्र अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि योगेंद्र को सफलता नहीं मिली थी। डुमरा प्रखंड के रामपुर परोरी पंचायत से वार्ड सदस्य के पद पर योगेंद्र ने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब अपनी शादी को लेकर वो पूरे जिले में फेमस हो गए हैं। सोशल मीडिया के चलते वो देश के कई कोनों में भी चर्चा में आ गए हैं।